विक्की जी, आज सीएम साहब के हस्ते यहाँ पे नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण और पट्टे वितरण कार्यक्रम है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सिंधी समाज के लिए हमारे क्षेत्र में होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने एक ऐसा तोहफा सिंधी समाज को दिया है जिसका इंतजार हम पिछले 70 वर्ष से कर रहे थे। हमारे यहाँ पर विभाजन के समय में, जब हम पाकिस्तान से यानी हिंदुस्तान के एक हिस्से से सरकार के निवेदन के ऊपर में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में आए, तब हमें यह कहा गया था कि यहाँ आने के बाद में जो व्यक्ति वहाँ जमीनें छोड़ के आया है उसको यहाँ उनका अधिकार, उनकी जमीनें मिलेंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद में परिस्थिति ऐसी थी, विभाजन का दौर था, बहुत ही दर्दनाक मंजर था। कोई कहाँ जाके रहने लगा, कोई कहाँ जाके रहने लगा, न जमीन का ठिकाना था, न रहने का आता पता था। वो अड़चनों को देखते हुए उस समय में उनको जो हक मिलना चाहिए मालकी का, वो नहीं देते हुए जो जहाँ रह गया उसको उस समय की सरकार ने लीज के माध्यम से कागज बना के दिए। जब लोगों ने पहले तो अपने काम धंधे को ध्यान दिया, रोजी रोटी को, परिवार पालने को ध्यान दिया, जब ध्यान में आया कि ये तो हमारे साथ में जो है, जो हमारी ओनरशिप हमको मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, क्योंकि हम हमारी ओनरशिप छोड़ के आए थे। पिछले 70 वर्षों में कई हमारे समाज के बांधवों ने इसके ऊपर में सतत कहीं ना कहीं डिपुटेशन देकर इसके ऊपर में मेहनत की, लेकिन हमको यश नहीं मिला। कई सारे लोगों ने कई बार आमरण अनशन किए, कई बार बहुत सारे इसके ऊपर में अन्य अन्य तरीके से ज्ञापन देने का प्रयास किया, कई सरकारों ने इसके ऊपर में संज्ञान लिया, लेकिन कभी कोई सरकार इसका निर्णय कैसे निकलेगा इसके ऊपर कभी निर्णय नहीं ले पाए। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, इतने समझदारी के साथ, होशियारी के साथ में उन्होंने एक जीआर निकाला और वो जीआर 14 जून 2018 को हमें मिला। हमारे समाज को एक बड़ी सौगात मिली और पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर में लगभग 25,000 मकान उनकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट का टाइटल क्लियर होने का रास्ता सरल हो गया। उसके निमित्त हम नागपुर में जेरीपटका में सिंधु नगर सोसाइटी ग्राउंड में आज शाम को 7:30 बजे एक भव्य कार्यक्रम ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर में 210 लोगों को हम लीज पट्टे से ओनरशिप के डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं। हमारे संत साईं चांदोराम साहब दरबार को, हमारे साईं वसंत शाह दरबार को, हमारे खटवारी दरबार, फकीरा साहब की दरबार, उनके दरबार को, हमारे कुछ वरिष्ठ दूसरे नागरिक, ऐसा टोकन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करके हम उनको देने जा रहे हैं। और इस तरीके से 210 लोगों के आज कार्यक्रम को यहाँ पर होना है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भाई, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, इसके विषय में हमने बहुत मेहनत की। 2014 के पूर्व ऐसा देखा जाता था कि कोई पाक हिंदू नेशनल जो है, हिंदू अगर वहां से आता भी है तो उसको इस तरीके से देखा जाता था जैसे वो आतंकवादी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, इन लोगों को देखने का नजरिया बदला और हम लोग माननीय गडकरी साहब के नेतृत्व में एक ज्ञापन लेकर माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले और उस डेपुटेशन के आधार पर, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से हैं, वहाँ सिंधी समाज बड़े प्रमाण में है, उनको ये सब तकलीफें मालूम थी, तो जिस तरीके का निवेदन हमने दिया उसी अड़चन को समझते हुए, हमारे तकलीफों को देखते हुए वैसा का वैसा उसका सॉल्यूशन उन्होंने दिया। और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में आईबी सेंटर्स हैं जो जो शहर के अंदर में, वहाँ वहाँ के कलेक्टर्स को उन्होंने नागरिकता देने का अधिकार दिया, जिसके कारण 7 साल के बाद में नेशनलिटी के लिए अपन अप्लाई करते थे, वो 7 साल के बाद में अप्लाई करने के बाद 3 3 4 4 5 5 साल तक के उनको नागरिकता मिलने में कठिनाई जाती थी, जो कि 2.5 से 3 महीने में अभी वो मार्ग सरल हो गया और नागरिकता कलेक्टर के माध्यम से यहाँ मिल सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से, माननीय गडकरी साहब के हाथ से हम दोनों ही आज यह कार्यक्रम लिए हुए हैं, जिसके अंदर में 70 साल का ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का लिया हुआ, उनके हाथ से अपन पट्टे वाटप करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा दी गई सौगात का हम नागरिकता वितरण का कार्यक्रम भी वहां गडकरी साहब के हाथ से करेंगे। इस तरीके का आज का हमने कार्यक्रम लिया है। ये अभी तक नागरिकता के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जो चेरीपटका या नागपुर जिले में रह रहे हैं? लगभग ऐसा है 3,500 लोगों का नागरिकता यहाँ पर होनी चाहिए, इतने लोग यहाँ अवेलेबल है। उसका प्रोसेस है, 7 साल के बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो 7.5 साल जिनको कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन 2,000 के आसपास पे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और जिसके अंदर में हमने 135 लोगों को अगर
अभी तक के नागरिकता अलॉट हो चुकी है, जिसमें से एक हमारे संत उनके हाथ से हमने 37 लोगों को नागरिकता दिलवाई थी और दूसरे चरण में आज हम 97 लोगों को यहाँ पर नागरिकता देने जा रहे हैं। धन्यवाद।